हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का अपना महत्व है। प्रायः सभी परीक्षाओं में, चाहे कोई भी बोर्ड हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उन सबों में कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और प्रश्न को बनाते समय हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय कैसे काम कर रहा है। तो हम लोग अभी संक्षिप्त में कुछ प्रत्यय की चर्चा करते हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसे पढ़कर, जिसे देखकर आप आसानी से समझ लेंगे और बाद में आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बने हुए हैं दीप संस्कृत क्लासेस में, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप बेल बटन दबा लें ताकि इसके बाद तद्धित और स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड प्रत्यय भी आपको उपलब्ध हो जाए और आप हमेशा अच्छा कर सकें। आइए हम लोग कुछ कृदंत प्रत्यय के शब्दों पर ध्यान देते हैं। कृदंत प्रत्यय, जैसा कि यह नाम से ज्ञात है, कृत प्लस अंत, कृत मतलब करते, अंत मतलब अंत, जो सामान्यतः वाक्य में लगकर वाक्य को अंत कर देता है, इसे हम लोग कृदंत के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो कृदंत के दो स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, एक विकारी, दूसरा रूप होता है इसका अविकारी। इन शब्दों से जो भी शब्द का निर्माण होता है वह शब्द क्रिया की तरह भी कार्य करते हैं, संज्ञा की तरह भी कार्य करते हैं, संज्ञा में भी भाववाचक की तरह भी कार्य कर सकते हैं और कर्ता बनकर भी कार्य कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा प्रत्यय कैसे चल रहा है। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहले प्रत्यय है अ, और मूल शब्द हमें ध्यान रखने होंगे कि जब भी हम इन शब्दों का, इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तो प्रत्यय का प्रयोग करते समय हिंदी में जितनी भी धातुएं होती हैं सबके अंत में ना लगा होता है, सबके अंत में ना लगा होता है। मूल शब्द है लूटना, कसना, पढ़ना, खाना, यानी हिंदी की जितनी भी धातुएं हैं सबकी सब स्वरांत होती हैं, स्वरांत लूटना के अंत में आ। तो प्रत्यय का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें इन धातुओं के अंत के ना को हटाकर, जितनी भी धातुएं हैं उन सभी के ना को हटाकर उसके अंत में हमें प्रत्यय जोड़ देना होता है। जब ना हटा के जो शब्द हम जोड़ते हैं और जिस शब्द का निर्माण होता है वही प्रत्यय से बना हुआ शब्द कहलाता है। लूटना का मूल शब्द है लूट, मूल शब्द में जब लूट में अ जोड़ देते हैं हम लोग, यह शब्द रहता है लूट। अब इसका प्रयोग वाक्य में हम लोग संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं। आजकल लूट खसोट का जमाना है, उसने बैंक लूट लिया, तो इन रूपों में इसका प्रयोग है। आ, छापा, छाप शब्द है छापना, मूल शब्द है छापना, में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो यह बन गया छापा। अंत, रटना प्लस अंत रटंत। आई, मूल शब्द है दिखना प्लस आई दिखाई। आन, लगान। आ, मिलना प्लस आप मिलाप। आव, बहाव। आवट, मिलावट। इस प्रकार हम लोग मूल शब्द को अलग करते जाएंगे और शब्द आपका निर्माण होता चला जाएगा। आस, आस शब्द बनेगा प्यास। आहट, घबराना शब्द है, घबराना शब्द में आहट शब्द को जोड़ने से, आहट प्रत्यय को जोड़ने से घबराहट। ई, बोली। औता, समझौता, आजकल समझौता एक्सप्रेस भारत से चल रही है। औति, मनौती, उसकी मनौती की जा रही है, जब हम किसी को मनाते हैं तो मनाना शब्द है, मनाना में जब औति जोड़ते हैं तो मनौती। ती शब्द है, घटना शब्द में लिखते हैं ती तो होता है घटती, फंक्शन में घटती बढ़ती चलती रहती है,
तो इस रूप में हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार आपके पास शब्द है, प्रत्यय है नी, नी भरनी करना, अगर शब्द है यह भरना प्लस नी भरनी, करना प्लस नी करनी, तो वाक्य भी हम लोग प्रयोग करते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, और इस रूप में हम इसका प्रयोग आसानी से कर लेते हैं। आनी कहानी, नहाना प्लस आनी नहानी, औटी कसौटी, कसना शब्द से कसौटी, नी कतरना शब्द से कतरनी, कतरनी चावल बहुत प्रसिद्ध है, इन रूपों में प्रयोग करते हैं। आक तैराक, तैरना प्लस आक तैराक, वह अच्छा तैराक है, तो हम संज्ञा बनाकर इसका उपयोग कर लेते हैं। आओ खाऊ, पकाना प्लस आओ पकाऊ, खाऊ पकाऊ मत बनो। इया छलिया, छलना शब्द से है बना हुआ छलिया, कृष्ण छलिया थे, नाउन बनकर आ रहा है या भर बनकर नहीं आता है। एरा लुटेरा, वह लुटेरा है, हम उसकी विशेषता को बताने की कोशिश करते हैं। आई कटाई, कटना शब्द है, कटना से हम लोग जोड़ते हैं तो यह शब्द बनता है कटाई, और इस प्रकार हम इसका निर्माण करते हैं। हट करवाह, करवा शब्द है, करवा शब्द से आहट जब हम लोग जोड़ते हैं तो होता है यह करवाहट। तो यह कुछ कृदंत के महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो सामान्यतः आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, मैंने उन सभी को आपके सामने लाया है, और आप समझ लेंगे कि ये सारे महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो परीक्षाओं में दिए जाते हैं, इनको देखकर आपको प्रत्यय पहचानने में अत्यंत आसानी होगी। इसके कुछ विशेष प्रयोग भी हैं। ता मर्ता, मर्ता शब्द वर्तमानकालीन विशेषण के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। मर्ता शब्द जब निर्माण होता है तो वाक्य बनता है मर्ता क्या ना करता, मर्ता क्या ना करता, यह मर्ता शब्द है, यहाँ वर्तमानकालीन विशेषण मरकर बनकर यह आता है, यानी मरने वाला क्या नहीं कर सकता है। जब हमारे ऊपर समस्या आती है तो उस परिस्थिति में हम कुछ भी अच्छा या बुरा डिसीजन लेने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे ही शब्द है वाला, लिखने वाला, लिखना शब्द है आपके पास, लिखना शब्द में जब हम लोग वाला उपसर्ग वाला प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द निर्माण होता है लिखने वाला। जब लिखने वाला शब्द निर्माण होता है तो लिखने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला, खेलने वाला, ये सारे शब्द संज्ञा बनकर आते हैं। संज्ञा बनकर कैसे आएंगे, देखने वाला बालक घर गया, वह देख रहा था और अब वह कहाँ चला गया, घर चला गया। दौड़ने वाला लड़का वह है, या वह दौड़ने वाला लड़का है। पढ़ने वाले लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो इन रूपों में हम संज्ञा शब्द का प्रयोग आसानी से करते हैं। उसी प्रकार शब्द है वैया, खेवैया, खेना शब्द है, खेना मूल शब्द है आपका, और उसमें जब हम लोग वैया उपसर्ग को जोड़ते हैं तो बनता है खेवैया। हम लोग बोलते हैं तुम ही मेरे खेवैया हो, तुम ही मेरे खेवैया हो, अर्थात इस सांसारिक कष्ट से उबारने वाले तुम ही हो। इस प्रकार हम अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग करके अलग अलग रूपों में हम इसे आराम से प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय मैंने आपको सामने लाने की कोशिश की, आप देखें।